नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी बहुरी बंद तहसील कार्यालय लोक सेवा केंद्र में हुआ आयुष्मान कार्ड केंद्र का शुभारंभ। ज्ञात हो कि आज दिनांक 27 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का पूरी तरह से निःशुल्क इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार जिले की बहुरी बंद तहसील में भी आयुष्मान केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहुरी बंद तहसीलदार विजय द्विवेदी, अनुराग शुक्ला बीएमओ एवं बीए उछारिया जी, वीरेंद्र गुप्ता केंद्र संचालक, लोक सेवा प्रदीप गुप्ता, अजीत पौराणिक, राजेश सेन, आरती सिंह, रोहित साहू, रितेश नामदेव आदि उपस्थित थे। आयुष्मान केंद्र खुलने से क्षेत्र में खुशी जाहिर है। मौके पर तहसीलदार बहुरी बंद ने जन समूह को शासन की स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने हेतु सुझाव दिया। संवाददाता प्रिया दुबे। सारी सेवाएं समझते ही आम जनता को प्रदाय की जा रही है समय सीमा में, जिसके तहत बार समीक्षा करने के बाद सरकार इसमें अन्य योजनाएं जोड़ती जा रही है। आज हमारे इस नई एक योजना आयुष्मान कार्ड योजना प्रारंभ हुई है, जिसके इस कार्यक्रम अवसर पर उपस्थित हमारे डीएमओ साहब, डॉक्टर साहब, अपने भूतपूर्व सरपंच बहुरी बंद श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, आज के प्राधिकृत अधिकारी महोदय और तमाम हमारे सब सम्मानित व्यक्ति जो यहाँ आए हुए हैं। लोक सेवा में अपने आधार कार्ड और सीएससी की सेवाएं भी इस समय प्रारंभ हो चुकी हैं। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का है, लाड़ी लक्ष्मी योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, बिजली कनेक्शन है, प्रसूति अवकाश सहायता है, इस तरह की बहुत सारी सेवाएं अब समाधान एक दिवस में कवर कर ली गई हैं, प्रदाय की जा रही हैं। इसी के तहत एक बहुत ही जनता के लिए लाभकारी योजना चालू हुई है सरकार की ओर से, जो कि लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्रदाय की जाएगी, कि आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड में आप सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज कराते हैं तो 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज बीमारियों में मुफ्त होगा। इसको प्राप्त करने के लिए निर्धारित जो शर्तें हैं, निर्धारित जो नियम है, उसके तहत लोक सेवा में आप लोग आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें समग्र आईडी और आधार कार्ड आपको लगवाना पड़ेगा और 30 रुपए का शुल्क लगेगा। उसके आधार पर एक आयुष्मान कार्ड यहाँ से जारी होगा। तो जो सब व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि लोग आकर के इसका लाभ ले सकें और विभिन्न सेवाओं के संबंध में आवश्यक जो समय सीमा से यहाँ लाभ है वो प्राप्त कर सकें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप।